इसी मुहाने पर जब देश खड़ा है और आज से 28 दिन में पहले फेज की वोटिंग होगी, इस देश के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। आप पहले कानून तोड़ते हो, सुशासन की बात करते हो और कानून तोड़ने पर इतराते हो और कहते हो हम पे कानूनी कार्रवाई क्यों, ये पैसों की कमी नहीं, ये राजनीतिक आपकी पूंजी समाप्त हो चुकी है, इसीलिए आप भाग रहे हैं चुनावी मंच से। यहां पर आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने की तो बहुत कोशिश करवाई गई और करी SBI ने और सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, सारी कलाई खुल गई सुप्रीम कोर्ट में। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगी थी राहुल गांधी चौकीदार चोरे का, और फ्यूचर गेमिंग का तो रिश्ता डीएम कैसे निकला, फ्यूचर गेमिंग के विषय में बताइए ना, उस दिन तो चीख रही थी ना पंजना के शो पे, अब बताइए डीएम के क्या क्यों ले रहा था फ्यूचर गेमिंग से चंदा। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, तमाशा, तमाशा नहीं है, तमाशा आप करिए भाई भाई करके। फ्रीज हो गया है खाता, चुनाव से मन घबराता। सबसे पहले शहजाद जी आपके पास आते हुए, आरोप बहुत संगीन है, बहुत बड़ा है और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोगों की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे बदला ले रहा है, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, रेलवे के टिकट तक कटाने के पैसे नहीं है, ये खुद राहुल गांधी ने बताया। बात तो सही है। ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी, जिसके राजनीतिक डीएनए में लोकतंत्र की हत्या करने का इतिहास रचा हो 75 से, तो मुझे लगता है उनको तो लगता है कि एक सामान्य प्रक्रिया जो हर एक पर लागू होती है, किसी को भी इनकम टैक्स का नोटिस आता है या डिमांड नोटिस आता है तो उसको कंप्लाई करना पड़ता है, उनको लगता है कि वो संविधान और कानून के इस प्रकार से ऊपर है कि उनके पास अगर ये नोटिस पहुंच जाए तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये तो वही मानसिकता है ना कि इंडिया इज इंदिरा और कांग्रेस की इनकम टैक्स की डिपॉजिट करने की नोटिस जो है वो लोकतंत्र पर खतरा। और बताइए ट्रेन की टिकट नहीं है, पिछली बार राहुल जी ट्रेन में कब चढ़े थे, और चढ़े भी होंगे तो उनको अगर ट्रेन की टिकट या प्लेन की टिकट के पैसे नहीं है तो धीरज साहू से मांग ले, उनके तो एक कमरे में 350 करोड़ रुपए थे। सॉरी 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 सॉरी। अब गिनती कीजिए, 50 सांसद है तो 17,500 करोड़ रुपए मिल जाएंगे आसानी से, और ये लोकतंत्र खतरे में है। जरा अंजना जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र हर 2-3 महीने में खतरे में आता है क्या? तेलंगाना में जब जीत जाते हैं तब लोकतंत्र जीवित होता है, फिर ये केंद्र में हारने वाले होते हैं तब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पे फैसला सुना है तो लोकतंत्र जीवित हो जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट ईडी और सीबीआई मिसयूज नहीं हो रहा है फैसला सुना है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, जब राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत ना मिले तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ये लोकतंत्र है या राहुल गांधी का मूड स्विंग है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, मतलब कभी खतरे में है कभी खतरे में नहीं है। सुप्रिया इस प्रकार के अनर्गल आरोपों का हम जवाब देते हैं। 2018-19 में कांग्रेस पार्टी आईटीआर फाइल ना करे, उसके बाद जब आप लोग आईटीआर तक अपेलेट ट्रिब्यूनल तक गए, वहां से रिलीफ नहीं मिला, हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, तो बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। अरे ये तो एक वो मतलब आम लोगों को, हम सबको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है, जो नहीं करेगा उसको फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसमें आप कैसे स्पेशल है क्या कि आप लोगों का खाता सीज हो जाए तो देश में लोकतंत्र खतरे में है? चुनाव के मुहाने पर जब देश खड़ा है और आज से 28 दिन में पहले फेज की वोटिंग होगी, इस देश के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। ये लूप का खत्म नहीं होता बे। हो गया, इतना टाइम खराब हो गया मेरा। चुनाव से 4 हफ्ते पहले अगर सबसे प्रमुख विपक्षीय दल के बैंक अकाउंट को सीज किया जाता है और अगर ये अलोकतांत्रिक और अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय और डिसरप्ट और खत्म बर्बाद नहीं कर देता है तो क्या करता है? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। आज संस्थाओं को भी यह सोचना है कि क्या प्रमुख विपक्षीय दल के हाथ बांध कर पैसे पे हड़प लगाकर आप चुनाव कराइएगा, यह सवाल है। और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह के उल जलूल की दलीलें और आधा झूठ और पूरा सच रविशंकर प्रसाद जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मुझे थोड़ी सी उनकी स्थिति दयनीय लगी। मजा नहीं आ रहा है, रुको जरा सबर करो। पहली बात सुप्रिया जी ने कही जो कि पहले कल्चर हुआ करता था, अरे यार मैंने कुछ ऐसी गलती वलती कर दी थी एन वक्त पर, अभी क्यों किया जा रहा है, एन वक्त पर तो ऐसे नहीं हो रहा है, परंतु ये ऐसा सिस्टम था कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, आज मोदी जी के जमाने में तेरी भी चुप मेरी भी चुप नहीं होती क्योंकि हम लोग ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि देखिए अभी तो 28 दिन बाकी है फर्स्ट फेज को, यही तो चक्कर है, सारा फेज का चक्कर है, ये 7 फेज के चुनाव से पहले 3 फेज का मेल्टडाउन, पहला मेल्टडाउन मीडिया ओपिनियन पोल पर, दूसरा ईवीएम पर और तीसरा जनता पर, पहले शक्ति को गाली अब जनशक्ति को गाली। सुप्रिया जी से सिर्फ इतना पूछिए कि अभी इन्होंने बोला रविशंकर जी के बारे में बहुत सारी व्यक्तिगत टिप्पणियां की, पिछली बार जब मुझे आपके साथ मौका मिला था डिबेट में आने का, यशोदा हॉस्पिटल इन्होंने ट्वीट किया था गाजियाबाद में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जब उस पर रेड हुई, उनका ट्वीट आज भी है, ये फैक्ट्स की बात करती है, वो यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद का था, ये फैक्ट्स की बात करती है। और सुनिए सुप्रिया जी आपका ही एक बयान, ये शराब का मामला है अंजना जी, ये शिक्षा का मामला नहीं है,
अंजना जी मैं वो व्यक्ति हूँ जो डिबेट में ना इंटरप्ट करता है, मैं डिबेट में ना कभी इंटरप्ट करता हूँ और मैं फैक्ट्स के साथ चलता हूँ। और आज मैं फैक्चुअली एक सवाल पूछूंगा। यही सुप्रिया श्रीनेत 2 महीने पहले केजरीवाल को भ्रष्ट बोल रही थी और कह रही थी शराब घोटाला हुआ है, ईडी ने सही कार्रवाई की है, हमने शिकायत की। आज जो ये फैक्ट्स बता रही है उस पर विश्वसनीयता तब आएगी जब सुप्रिया बोलेगी पहले कि क्या आज केजरीवाल, जिसको राहत आज भी नहीं मिली है, वो भ्रष्ट है या नहीं है। लालू तो 4 बार कन्विक्टेड है, वो भ्रष्ट है या नहीं है। और आप पहले कानून तोड़ते हो, सुशासन की बात करते हो और कानून तोड़ने पर इतराते हो और कहते हो हम पे कानूनी कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे पहले 210 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस कब आया था? आप मुझे एक बात बताइए, जो रूल है वो है 20% जमा करो और केस लड़ो। किस बेसिस पर ये हमें 27 करोड़ जमा करने के बजाय हमारे बैंक अकाउंट को सीज करने का, हमसे बिना पूछकर हमारे अकाउंट से 115 करोड़ हड़पने का काम कर रहे हैं? अगर रूल से चलना है तो रूल तो ये कहता है कि 20% जमा करो और केस लड़ो। अच्छा होता है, जवाब लेते हैं। अरविंद वाजपेयी जी सिर्फ एक जेपीआर के नेता के तौर पर नहीं, एक वकील के तौर पर भी बताइए। इन्होंने अपीलेट कोर्ट में चैलेंज किया, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल अलग होता है, उन्होंने इनकी बातों को नहीं माना, डिसमिस कर दी। उसके बाद दे हैव चैलेंज बिफोर दी हाई कोर्ट आल्सो, हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज किया, उन्होंने भी डिसमिस कर दिया। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कोर्ट में आप यकीन है कि नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने एक रास्ता निकाला कि नहीं नहीं जनता की अदालत में भी चलते हैं। तो हर चीज में जनता की अदालत चलोगे क्या? आपकी आपने गलती किया, इनकम टैक्स रूल्स का वायलेशन किया, उसके हिसाब से आप पेनल्टी लग गई, आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपने प्रॉपर देंगी, सारी स्क्रूटनी हुई, सारे आर्ग्यूमेंट कर लिया आपने घंटों, और उसके बाद रोने लग गए आगे। अभी से रोना शुरू कर दिया आपने, ईवीएम में गड़बड़ है, हमारे पास रेलवे टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। देखिए एक ही चीज है, ये पैसों की कमी नहीं है अंजना जी, ये कैंडिडेट और नीति और नियत की कमी है। भाई बताइए, महाराजगंज से कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, वो पैसों की कमी से है। अमेठी का कैंडिडेट नहीं मिल रहा, अहमदाबाद का कैंडिडेट भाग गया, रायबरेली की कैंडिडेट भाग गई। तो ये कैंडिडेट की ताकत नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है चुनाव लड़ने की, ये पैसों की कमी नहीं, ये राजनीतिक आपकी पूंजी समाप्त हो चुकी है, इसीलिए आप भाग रहे हैं चुनावी मंच छोड़कर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुप्रिया जी 115 करोड़ का लेन है जो कि आपको वहां पर रखना होगा, क्योंकि इस तरह की पेनल्टी लगी हुई है, और ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। फिर बार बार ये कहना कि अकाउंट फ्रीज कर दिया है, क्या ये गलत झूठ बोलना नहीं है जनता के सामने? आपके दर्शक और मुझे लगता है खुद आप एक बात को जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलती और मैं पूरी तैयारी से रिसर्च से आती हूं यहां आके, जबानी जमा खर्च नहीं करती हूं। इस बात को अगर आप दिल पर हाथ रख के कहिएगा तो आप भी उसकी साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं यहां आके बरगलाने की भ्रमित करने की बातें नहीं करती हूं, जुमले नहीं फेंकती हूं, रिसर्च करके आती हूं, आपका और आपके दर्शकों का टाइम बर्बाद करने नहीं आती हूं। अच्छा यह आप भी जानती है, मुझे इसमें ना किसी से सर्टिफिकेट चाहिए ना मैं इसका जवाब दूंगी। आपकी रिसर्च टीम ने बिल्कुल सही कहा, लियन हमारे 10 अकाउंट है, उन 10 अकाउंट में किसी में 20 करोड़ है, किसी में 30 करोड़ है, किसी में 10 करोड़ है। जब इनकम टैक्स लिखता है कि हमें यह पैसा चाहिए तो वो सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा पैसा बैंकों को लगता है कि हमें 135 करोड़ रोकना है, इसमें 20 करोड़ है, चलो ये तो रोक ले। सो वी कांट एक्सेस आवर फंड्स, हम अपने पैसे को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने की तो बहुत कोशिश करवाई गई और करी SBI ने, और सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, सारी कलई खुल गई सुप्रीम कोर्ट में। आज SBI ने लताड़ खाने के बाद सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशूइंग नंबर्स भी दे दिए, मतलब SBI लगातार झूठ बोल रहा था। कौन उससे झूठ बुलवा रहा था? ये जो गोरख धंधा चल रहा था, चंदा दे धंधा ले, ये जो वसूली रैकेट चल रहा था, कौन कर रहा था? SBI को कौन बोल रहा था कि कोर्ट को भ्रमित करो, 30 जून को देंगे डेटा? आज सवाल इस बात का। लोकतंत्र खतरे में क्यों है? लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक झूठ बोलता है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि सरकार चाहती है कि फैक्ट चेक PIB करे, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि जब आप खड़े होते हैं सदन में बोलने के लिए तो या तो आपका माइक ऑफ कर दिया जाता है, या 14 मिनट की स्पीच में 11 मिनट आपको ओम बिरला दिखाए जाते हैं जब राहुल गांधी बोलते हैं। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि निष्पक्ष पत्रकारों के ऊपर नए कानून लगाए जाते हैं कि उनको अब YouTube का, जब तक वो लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक YouTube चैनल नहीं चला सकेंगे। अगर ये लोकतंत्र को खतरे में नहीं करता है तो ठप्पा लगाकर लोकतंत्र को खतरे में करने का काम है कि चुनाव के पहले मुख्य विपक्ष को पैसा विहीन कर दो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। से पूछना चाहता हूँ, ये धीरज साहू कहाँ का गरीब है भाई, जरा बता दीजिएगा हमको। तीसरी बात, ये तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगी थी राहुल गांधी ने चौकीदार चोरे का। और चौथी बात, मैं एक और चुनौती दे रहा हूँ आपके दर्शक, देख ली यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद बताया था, आज भी वो ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल पर है। इनको चुनौती देता हूँ कि यदि वो मानती है कि उन्होंने गलत किया था, बोला था कि नहीं बोला था, और फ्यूचर गेमिंग का तो रिश्ता DM के से निकला, फ्यूचर गेमिंग के विषय में बताइए ना।
उस दिन तो चीख रही थी ना अंजना के शो पे। अब बताइए डीएम के क्या क्यों ले रहा था फ्यूचर गेमिंग से चंदा? इसके साथ जल्दी बोलिए, तमाशा नहीं है, तमाशा आप कर रही है भाई।